डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमने बी द बेस्ट पोएम पढ़ी, क्वेश्चन आंसर्स किए। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर 1.2 की तरफ जाएंगे, जिसका नाम है एंड्रोक्लेस एंड द लायन। एंड्रोक्लेस एंड द लायन एक बहुत फेमस स्टोरी है। लायन और एंड्रोक्लेस का क्या वाक़या होता है, क्या किस्सा होता है, इसमें दिखाया गया है। सबसे पहला सेक्शन है वार्मिंग अप और चिट चैट का सेक्शन, जिसके अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आंसर्स उसके देंगे जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते हैं और हमें इंट्रोड्यूस करते हैं चैप्टर के टॉपिक से और हमें फैमिलियर करते हैं इस स्टोरी से और इस चैप्टर से। सो वी विल स्टार्ट विद दोस क्वेश्चंस, एंड्रोक्लेस एंड द लायन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चिट चैट सेक्शन इज, पहला क्वेश्चन इस चिट चैट सेक्शन का है। आई विल रीड द क्वेश्चन एंड ऑल्सो आंसर। हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? तो क्या कभी आपने किसी की मदद की है और की है तो क्यों? उसका आंसर आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं या इस तरह आंसर होना चाहिए। आई ऑलवेज हेल्प माई पेरेंट्स एट होम because I owe something to them, मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स की मदद करती हूँ अपने घर पर जब होती हूँ, क्योंकि उनका मुझ पर, ओ का मतलब होता है एहसान है, उनका मुझ पर एहसान है। हाउ डिड यू हेल्प हिम और हर, तुम उनकी कैसे मदद करते हो? सेकेंड क्वेश्चन आंसर है, आई हेल्प माई मदर बाय गिविंग व्हाट शी वॉन्ट्स इन द किचन, मैं किचन में होती हूँ तो उनकी मदद करती हूँ जो उन्हें चाहिए वो देकर। और आई हेल्प माई फादर वेन एवर ही टेल्स मी टू डू सम वर्क, और जब मेरे पिताजी, मेरे डैड मुझे कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो मैं वो काम करके उनकी मदद करती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है हैज़ एनी वन एवर हेल्प यू इन योर नीड, जब आपको ज़रूरत थी कभी किसी ने आपकी मदद की है? आपके हिसाब से आंसर दे सकते हैं या फिर इस तरह से आंसर, वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, करीबी दोस्त, हेल्प मी इन माय आवर्स ऑफ नीड, मुझे जब ज़रूरत थी उसने मेरी मदद किया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम, उस वक्त तुम्हें कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा जब उसने आपकी मदद किया? आंसर आपके दिल से दे सकते हैं या एग्जांपल है, आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, मुझे बहुत खुशी हुई और इत्मीनान हुआ, मुतमईन हुआ। क्वेश्चन नंबर, हाउ डिड यू शो योर ग्रेटिट्यूड टू हिम और हर, आपने किस तरह उसका शुक्रिया अदा किया? आंसर, आई शोड माय ग्रेटिट्यूड टू हिम बाय सेइंग थैंक्स, मैंने उसे शुक्रिया, थैंक्स कहकर अदा किया। एंड वन एवर आई गॉट अ चांस टू हेल्प हिम आई हेल्प हिम, और जब मुझे उसकी मदद करने का मौका मिला मैंने उसकी मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर दो कॉलम दिख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आपने कभी कोई स्टोरी सुनी होगी, उस स्टोरी का नाम लिखना है और उसमें जो हीरो के नाम आपने सुने हैं वो हीरो का नाम लिखना है। जो भी स्टोरी आपने पढ़ी, किताब में पढ़ी, किसी से सुनी, टीवी पर देखी, वो स्टोरी लिखना है। चाहे आपका पसंदीदा एक्टर हो या कोई भी हिस्टोरिकल वॉर का हो, कोई भी हीरो हो, आपको उस स्टोरी को लिखना है। डिस्कस विथ योर बैचमेट एंड राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 5 स्टोरीज, 5 लिखना है, ब्रेवरी दैट यू हैड हियर्ड, यू हैव रीड और हियर्ड, 5 बहादुरी की कहानियों के बारे में आपको लिखना है। आप उसके अंदर लिख सकते हैं जो भी कहानी आपको लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ स्टोरीज मैं लिख रहा हूँ जो स्टैंडर्ड है, सबको पता है। आल्सो उसके अंदर का जो हीरो है वो भी नॉन हीरो है। सबसे पहला इसके अंदर जो स्टोरी मैं यहाँ पर आपको जिक्र, वो स्टोरी है यहाँ पर शहंशाह आलमगीर, आप ही के खुलदाबाद के शहंशाह आलमगीर
और हीरो है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। सेकंड स्टोरी है इर्तगुल गाजी, जो आजकल बहुत चल रही है और इसका हीरो है इर्तगुलू। तीसरी है झांसी की रानी। झांसी की रानी सबको पता है, रानी लक्ष्मीबाई हीरोइन है इसकी। ऐसे ही कॉलिंग सहमत ये इंग्लिश स्टोरी है, सहमत इसका हीरो है और डेविड एंड गोलियत में डेविड हीरो है। इस तरह से स्टोरीज और उनके हीरोज हमने यहाँ पर लिखे हैं। क्वेश्चन है, कंप्लीट द फैक्ट अबाउट लायन चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव। जो फैक्ट लायन के शेर के बारे में यहाँ कहे गए हैं, बताए हैं बातें, उसको कंप्लीट करो। राइट फिल इन द ब्लैंक में राइट आंसर चूज करना है। सबसे पहले लायंस आर कॉल्ड डैश ऑफ द जंगल। हम सबको पता है लायंस आर कॉल्ड किंग ऑफ द जंगल। सेकंड है लायंस बिलोंग टू द डैश फैमिली ऑफ एनिमल। कौन सी एनिमल की फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो है कैट की फैमिली से। थर्ड क्वेश्चन से लायंस आर कार्निवोरस एनिमल, हर्बीवोरस कार्निवोरस। थ्री टाइप के एनिमल्स होते हैं, कार्नियोरस, हर्बीवोरस और ओमनिवोरस। लायंस आर कार्नियोरस, गोश्त खोर होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मेल लायंस, मेल यानी मेल लायन जेंट्स जो होता है शेर, उसके है मेन अराउंड देयर नेक बट लायनेस डू नॉट हैव, पूरे बाल होते हैं और लायनेस के नहीं होते। फिफ्थ क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड अ प्राइड। अगर ग्रुप हो, पांच छह लाइन एक साथ हो तो उसे प्राइड कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ वन, लास्ट क्वेश्चन है लायन अटैक्स ओनली व्हेन ही इज़ हंग्री। शेर जब भी अटैक करता है जब वो भूखा होता है। तो ये फर्स्ट सेशन था, वार्म अप सेशन। होमवर्क है आपका यहाँ, राइट आंसर इन नोटबुक्स, रीड द स्टोरी साइलेंटली एंड लाउडली, मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।